सीसीटीवी की ये तस्वीरें भले ही धुंधली हैं, लेकिन ये बताती हैं कि घर के बाहर खेलने गया आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कभी भी उस पर आपके पड़ोसी या कोई आवारा डॉग हमला कर सकता है और आपके बच्चे को बुरी तरह से घायल कर सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में हमारे आसपास कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला यूपी के गाजियाबाद का है, जहां 10 साल के एक बच्चे पर पिटबुल ब्रिड के डॉग ने अटैक कर दिया। हमला उस वक्त हुआ जब बच्चा पार्क में खेल रहा था। मेरी दीदी की छोटी बेटी है 8-10 साल की, वो उसकी चेन में यहाँ पर घर पर बदल रही थी कि दूसरी जगह बांधने के लिए, और इतने में वो उसे खींचते हुए नीचे ले गया, क्योंकि थोड़ा घूमने का रहता है, पूरे दिन घर पर बंधा रहता है, तो उसे खींचते हुए ले गया और यहाँ पार्क के साइड। अब पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, अब बच्चे खेल रहे थे तो बॉल से खेल रहे थे, वो बॉल के पीछे भागने की उसने कोशिश करी तो उसके छोटी बच्चे की से वो कंट्रोल नहीं हुआ। अब कंट्रोल ना होने की वजह से उसके हाथ से वो पट्टा छूट गया। बाकी जो सब बच्चे थे वो झूले पर चले गए। एक ये था छोटा जो था सचिन जी का बेटा, ये पहले भी उस डॉग के साथ कभी कभार हमारी बाउंड्री में या बाहर, जैसे मैं भी अगर कभी घुमाने ले जाता था तो वो थोड़ा बहुत खेल लेता था उसके साथ। तो उस दिन भी उसे लगा कि शायद जो है मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडली है, मैं इसे संभाल लूँगा, क्योंकि पट्टा खुलने के बाद ऐसा हो गया कि पार्क के बाहर ना चला जाए, पार्क के बाहर चला जाएगा तो फिर कंट्रोल, फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो उसने कोशिश की। अब उसी के दौरान उसके हाथ में बॉल थी तो पता चला कि उसने काटा है। मैं पार्क के अंदर आया, उस वक्त वो बच्चा के ऊपर हमला हो चुका था, और जैसे कि बता रहे हैं कि उससे पहले भी एक बार हमला कर चुका था और वो हटने का नाम ले ले रहा था। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका था वो कुत्ता, और वो बार बार अटैक कर रहा था गर्दन के ऊपर। जैसे ही उसने दोबारा अटैक किया, पहले उसने राइट साइड किया था, फिर दोबारा उसने लेफ्ट साइड किया। जब उसने दोबारा हमला किया, उस वक्त मैं आया, पहली बार मैं था नहीं, जब मैं दूसरे वक्त यहाँ आया, पार्क के अंदर कोई भी नहीं था, सब लोग यहाँ से जा चुके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डर चुके थे उस वक्त वो सीन देखकर। वो कुत्ते बच्चा बार बार रोल कर रहा था, मैं जैसी जितना मुझसे हो सका, मेरा बस यही टारगेट था उस बच्चे को कैसे भी बचाना है। इस हमले में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया और उसको करीब 150 टांके लगे। मुंह पे ज्यादा है तो थोड़ा खा पी नहीं रहा, बस लिक्विड चल रहा है। क्या बोला डॉक्टर्स ने अभी? डॉक्टर्स ने बोला है कि स्टिच कटेंगे, फिर बताएंगे, कल ड्रेसिंग चल रही है, डेली ड्रिपिंग चल रही है। कितने स्टिचेस आए हैं? 150 के आसपास स्टिचेस हैं। फिलहाल निगम ने कुत्ते के मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। गाजियाबाद के साथ ही नोएडा के सेक्टर 151 की जेपी अमन सोसाइटी में एक मामला सामने आया है, जहां लिफ्ट में डॉग को ले जाने को लेकर सोसाइटी की एक महिला और एक शख्स के बीच विवाद हो गया। सवाल यही है कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। प्रशासन की तरफ से डॉग पालने को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं, लेकिन कोई इन नियमों का पालन नहीं करता। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो उम्मीद है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।